जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आर्मी अग्निवीर का एग्जाम दिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सवाल चल रहा होगा कि इसकी कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर हमने यहाँ पे 22 से 25 क्वेश्चन कर दिया है सही, तो क्या हमें दौड़ के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हर एक चीज़ मैं आप सभी को विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो ये वीडियो आप सबके बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है, तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। आप सभी का रिजल्ट कब आने वाला है इंडियन आर्मी अग्निवीर का, ठीक है? अभी आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया, चाहे किसी के लिए, कलर के लिए, जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए, टेक्निकल के लिए, एनए के लिए, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कितना नंबर हमको मिलेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको बता दें कि जब भी इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, तो आप सभी जानते होंगे कि आपका एग्जाम एक दिन में होता नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम 1 से 2 दिन भी हो गया या फिर एक शिफ्ट से अगर 2 शिफ्ट भी आपके एग्ज़ाम हो गए, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आप सभी को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। किस लिए मिलेगा? क्योंकि जो पहला शिफ्ट है और जो दूसरा शिफ्ट है, तो हो सकता है पहले वाले शिफ्ट में जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए हों उनका पेपर ईजी आया हो, ठीक है, आसान आया हो, और दूसरे शिफ्ट में जो बच्चे पेपर देने गए हों उनका पेपर हो सकता है यहाँ पर हार्ड आया हो। तो इस वजह से इनको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं, ताकि इन दोनों को एक एवरेज, मतलब इनके जो नंबर हैं वो बिल्कुल एवरेज में आ जाए। इसलिए किसी शिफ्ट को यहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है, किसी शिफ्ट को पेपर में यहाँ पे कम फायदा देखने को मिलता है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो काफ़ी सारे शिफ्ट में इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइज हमें नंबर आपके बढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे 22 क्वेश्चन सही किया है, तो हो सकता है 3 नंबर आपको मिल जाए, जिससे आप सभी का यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका 1 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन और सही हो जाए, जिससे आपका 23.5 नंबर बन जाए। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मदद मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कितना क्वेश्चन किए हैं जिससे आप सभी को यहाँ पे दौड़ के लिए बुला लिया जाए। देखिए, अगर आप मिनिमम यहां पे 20 किए हो और मैक्सिमम अगर आप सभी यहां पे 25 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 20 से 25 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन अगर इतने हैं आपके, तो आप सभी को यहां पे दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। यहां पे बात की जाए तो 60% बच्चे ऐसे होते हैं, जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं उसमें से 60% बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाता है और 40% बच्चों को रनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता, क्योंकि होता क्या है कि वो बच्चे कट ऑफ भी नहीं पार कर पाते। तो इसलिए अगर आपने 20 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन के समथिंग यहां पे कर दिया है, तो आप सभी को यहां पे दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। आप भी अपने दौड़ की तैयारी करिए 1600 मीटर रनिंग, ठीक है। बाकी फिजिकल के बारे में आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, बाकी जितने भी ट्रेड हैं उसमें फिजिकल कैसे होता है। कट ऑफ ने बता दिया कि 20 से 25 क्वेश्चन का समथिंग अगर आपने किया है, तो आप भी अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू करिए। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात ये आती है कि क्या हम ये रिजल्ट डाउनलोड कब करने को मिलेगा। देखिए, इस भर्ती में आंसर की वगैरह आता नहीं है, क्योंकि अग्निवीर इंडियन आर्मी में कोई भी आंसर की नहीं आती, तो आंसर की में विभाग अपना टाइम वेस्ट तो करेगा नहीं, फिक्स है। जब नहीं आती तो उसका मतलब यह है कि जब से एग्जाम खत्म हुआ है तब से आपके रिजल्ट के ऊपर ही प्रोसेस चल रहा है। अभी आप सब काफ़ी सारा सोशल मीडिया पर न्यूज़ देख रहे होंगे कि किसी एआरओ का दौड़ की डेट आ गई, किसी एआरओ का ऐसा है वैसा है, तो ये सारी डेटें जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं है जाती, तब तक हम उसको भी यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप सिर्फ यहाँ पे अपनी तैयारी करते रहिए, आप सभी का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। इसी महीने, मई के महीने में, 20 मई से पहले आप सभी के आर्मी अग्निवीर का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उस रिजल्ट के बेसिस पर आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। फिलहाल आपका पेपर में लगभग कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, यह चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।